इस वीडियो का लेक्चर पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएं, वहां दिए गए लिंक को ओपन करें और इसे पीडीएफ फाइल में डाउनलोड करें। तो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आर्ट सेंटर डोसरा में आपका स्वागत है। आज मैं कक्षा 12वीं का संगीत विषय बिहार बोर्ड एग्जाम पर आधारित आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ। तो आज का हमारा टॉपिक है संगीत। ठीक है, संगीत का यह हमारा प्रथम वीडियो है, इसलिए संगीत विषय की विषय का शुरुआत हम संगीत से ही करेंगे। आपका पहला टॉपिक हो गया संगीत। इस पहले टॉपिक का आपका यह पहला वीडियो है। तो दोस्तों, बने रहिए हमारे साथ और आप हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हमारा इस चैप्टर क्या है? संगीत। तो संगीत का हमारा पहला पॉइंट निकल करके आ रहा है कि संगीत आखिर संगीत क्या है। ठीक है, तो साधारण भाषा में अगर कहा जाए तो गायन को ही संगीत कहा जाता है। ठीक है, यानी कि गायन को ही संगीत कहा जाता है, साथ ही गायन, वादन, नृत्य, इन तीनों का समावेश को ही संगीत हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब यह तो हम संगीत का परिभाषा देख लिए कि आखिर संगीत क्या है, लेकिन यदि हम बात करेंगे कि संगीत का उत्पत्ति कैसे हुआ, यह शब्द का उत्पत्ति कैसे हुआ, तो गीत शब्द में, ठीक है, गीत शब्द में सम शब्द लगा करके संगीत शब्द की उत्पत्ति हुई है। इसका यानी कि जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है अच्छा गीत। ठीक है, जो क्या काम करता है, लोगों का मनोरंजन कर सके। ठीक है, अब जाहिर सी बात है कि यदि हम गीत गाएंगे तो वह क्या करेगा, तो वह लोगों का ही मनोरंजन करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका है संगीत के प्रकार, यानी कि संगीत के कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, संगीत का जो मुख्य रूप से प्रकार है वह मुख्य रूप से दो प्रकार है। पहला प्रकार है शास्त्रीय प्रकार और दूसरा है भाव प्रकार। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि आखिर शास्त्रीय संगीत क्या है। शास्त्रीय संगीत, ठीक है, शास्त्रीय संगीत वह संगीत है जिस संगीत को निर्धारित, ठीक है, यानी कि निर्धारित नियमों के अनुसार गाया या बजाया जा सके, उसे शास्त्रीय संगीत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ जो भी इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं, इसे आप एक नियम के तहत, एक राग के तहत ही इसे बजा सकते हैं और गा सकते हैं, इसलिए यह हमारा क्या कहलाएगा, इसलिए यह हमारा कहलाएगा शास्त्रीय संगीत। और उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट आता है वह भाव संगीत। भाव संगीत क्या होता है, जिसे भाव के द्वारा गाया जाता है। जैसे मान के चलिए आपने समाज में देखा होगा कि शादी विवाह होता है, तो शादी विवाह से पूर्व जब शादी में आपका गाना गाया जाता है तो वो एक वहाँ के लेडीज सब जो है एक भाव के रूप में गाना गाती है, तो वही आपका कहलाता है भाव संगीत। तो भाव संगीत क्या है, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। भाव संगीत, संगीत के इस प्रकार में शास्त्रीय संगीत के समावेश या समान कोई बंधन नहीं होता, यानी कि इसमें कोई बंधन नहीं होता है। किसका? तो शास्त्रीय संगीत का। ठीक है, इस संगीत का मुख्य उद्देश्य लोगों का मनोरंजन करना ही भाव संगीत कहलाता है। जैसे शादी समारोह में या विशेष समारोह में जब कोई हम लोग संगीत गाते हैं, वह संगीत किस रूप में होता है, तो भाव में होता है। और भाव का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो लोगों का मनोरंजन करना ही होता है। ठीक है, तो बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ध्वनि क्या है, और ध्वनि के साथ साथ